इन दिनों सावन का अधिक मास चल रहा है। स्वयं भगवान विष्णु इस महीने के स्वामी हैं, इसलिए इसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। इस महीने की पूर्णिमा तिथि को बहुत ही शुभ माना गया है। सावन अधिक मास की पूर्णिमा पर कई शुभ योग भी बन रहे हैं, आइए जानते हैं इनके बारे में। नमस्कार दोस्तों, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। धर्म ग्रंथों में अधिक मास को स्नान दान पूजा आदि के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। भगवान विष्णु इस मास के स्वामी हैं, इसलिए उन्हीं के नाम पर इस महीने का नाम पुरुषोत्तम रखा गया है। वैसे तो अधिक मास हर तीसरे साल आता है, लेकिन इस बार सावन के अधिक मास का संयोग 19 साल बाद बना है। इसके पहले सावन का अधिक मास साल 2004 में आया था। इस बार सावन अधिक मास की पूर्णिमा पर कई शुभ योग भी बन रहे हैं, आइए आपको बताते हैं इनके बारे में। पंचांग के मुताबिक सावन अधिक मास की पूर्णिमा तिथि 31 जुलाई सोमवार की रात 3:52 से 1 अगस्त मंगलवार की रात 12:01 तक रहेगी। चूंकि पूर्णिमा तिथि का सूर्योदय 1 अगस्त को होगा, इसलिए इसी दिन सावन अधिक मास की पूर्णिमा तिथि मानी जाएगी। पूर्णिमा से संबंधित पूजा उपाय उपवास आदि इसी दिन किए जाएंगे। अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से योग बनेंगे इस दिन। 1 अगस्त को उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र होने से पद्म नाम का शुभ योग बनेगा। इसके अलावा इस दिन प्रीति और आयुष्मान नाम के दो अन्य शुभ योग भी रहेंगे। इस दिन सिंह राशि में बुध और शुक्र ग्रह एक साथ रहेंगे। इन दोनों ग्रहों की युति से लक्ष्मी नारायण नाम का योग बनेगा। सावन अधिक मास की पूर्णिमा पर इतने सारे शुभ योग होने से इसका महत्व और भी बढ़ गया है। इसके अलावा इन शुभ संयोगों का आप समय भी जान लीजिए। आयुष्मान योग 1 अगस्त 2023 शाम 6:53 से 2 अगस्त 2023 तक रहेगा, दोपहर 2:34 तक। वहीं प्रीति योग 31 जुलाई 2023 से रात 11:05 से शुरू होगा और 1 अगस्त 2023 शाम 6:53 तक रहेगा। लक्ष्मी नारायण योग की बात करें तो ज्योतिष शास्त्र में बुध को नारायण और शुक्र को लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। ये धन लाभ कराने वाले योग हैं। इसके अलावा आपको बता दें, सावन मास भगवान शिव की पूजा के लिए श्रेष्ठ माना गया है और अधिक मास भगवान विष्णु जी की पूजा के लिए। इस मास की पूर्णिमा तिथि पर इन दोनों देवताओं की पूजा करने का विशेष शुभ फल मिलता है। सावन पूर्णिमा पर भगवान सत्य नारायण की कथा करवाएं और शिव जी को प्रसन्न करने के लिए रुद्राभिषेक करें। इस तरह एक ही दिन इन दोनों देवताओं की पूजा से हर मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।